नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना और उनके उस खास दोस्त का है जिससे इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग डरा करते थे। जी हाँ, बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर राजेश खन्ना को इस इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। इंडस्ट्री के पंडितों का कहना है कि राजेश खन्ना के प्रति फैंस की जो दीवानगी थी वो शायद किसी और स्टार ने अब तक तो नहीं देखी, और आगे कोई देखेगा इसकी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। उनका जलवा ऐसा था कि लोग, खासकर फीमेल फैंस, उनकी एक झलक के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। हालांकि ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि सबसे पहले उन्हें सुपरस्टार किसने कहा, ये तमगा उनके नाम के साथ किसने जोड़ा, किसने कहा राजेश खन्ना को सुपरस्टार। स्टार तो सब थे, लेकिन ये जो सुपरस्टार वाली बात थी और ये जो तमगा था, ये आखिर दिया किसने था। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको उसी किस्से से रूबरू कराएंगे। राजेश खन्ना की लगातार 15 से 18 फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई और उनका सुपरस्टार का टाइटल और मजबूत होता चला गया। साल 1969 से 1975 के दौरान राजेश खन्ना की कई फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उस दौर में पैदा हुए अधिकतर लड़कों के नाम भी राजेश ही रखे जाते थे। राजेश खन्ना को सुपरस्टार कहलवाने में एक महिला पत्रकार का बड़ा रोल माना जाता है। 1960 और 1970 के दशक की जानी मानी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट देवयानी चौबल का फ्रेंकली स्पीकिंग कॉलम बहुत लोकप्रिय था। देवयानी राजेश खन्ना की दोस्त भी थी और राजदार भी। वो इस कॉलम में फिल्म स्टार्स के चटपटे गॉसिप लिखा करती थी। देवयानी राजेश खन्ना को धीरे धीरे पसंद करती थी और पसंद करने लगी थी, इसलिए वो राजेश खन्ना के फेवर में लिखती थी, उन पर ये आरोप भी लगे। उनकी फिल्मों की तारीफ के पुल बांधे जाते थे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं था कि राजेश खन्ना ने एक से बढ़कर एक उम्दा फिल्में की। देवयानी चौबल ने ही राजेश खन्ना को अपने कॉलम में बार बार सुपरस्टार लिखना शुरू कर दिया। स्टार तो सब थे, सबको स्टार लिखा जाता था, लेकिन सुपरस्टार का जो तमगा था, जो वो टैगलाइन थी, वो देवयानी चौबल ने अपने कॉलम फ्रेंकली स्पीकिंग में लिखनी शुरू कर दी। कहते हैं कि दोनों की मुलाकात फिल्म आराधना की रिलीज के बाद हुई थी और धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और फिर दोनों इंडस्ट्री और एक दूसरे के राजदार होते चले गए। देवयानी और राजेश खन्ना के रिलेशन इतने घनिष्ठ थे कि उन्हें सबसे पहले पता होता था कि एक्टर क्या करने वाले हैं। राजेश खन्ना की डिंपल कपाड़िया के साथ शादी की जानकारी सबसे पहले देवयानी चौबल को मिली थी। स्वाभाविक रूप से राजेश खन्ना ने ही उन्हें यह बताया होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि शादी के दिन राजेश खन्ना को दूल्हे का सेहरा भी किसी और ने नहीं बल्कि खुद देवयानी चौबल ने ही पहनाया था। लेकिन सवाल यह है कि देवयानी चौबल इतनी बड़ी कैसे बन गई, इतनी करीब कैसे आ गई, बड़ी तो वो थी। देवयानी चौबल दरअसल बहुत बड़ी फिल्म क्रिटिक मानी जाती थी और एक खास तरीके का उनका पहनावा होता था। सफ़ेद साड़ी हमेशा देवयानी पहनती थी, एक ख़ास तरीके से वो अपने बालों को गूंथ कर रखती थी और आगे से उनकी कुछ लटे निकलती थी, और ये उनका एक स्टाइल था, ये उनका ड्रेसिंग सेंस था। और इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग इसलिए डरा करते थे क्योंकि वो जो लिखती थी उसे लोग बड़े गौर से पढ़ते थे, और उस ज़माने में आज की तरह सोशल मीडिया तो हुआ नहीं करता था, ना टीवी इंडस्ट्री थी, और फिल्म मैगजीन्स और उसमें लिखे जाने वाले आर्टिकल, खासकर फ्रेंकली स्पीकिंग जो देवयानी चौबल का कॉलम था, उसे इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग बड़े गौर से पढ़ा करते थे। और देवयानी चौबल के बारे में मशहूर था कि वो किसी की आलोचना करने से पीछे नहीं हटती, वो चाहे कितना भी बड़ा सितारा क्यों ना हो। लेकिन ये बात राजेश खन्ना तक आते आते देवयानी चौबल यहां पर मध्यम बन जाती है, और इसलिए कहा जाता है कि देवयानी चौबल और राजेश खन्ना की दोस्ती काफी गहरी थी, इतनी गहरी कि राजेश खन्ना को वो अपना सब कुछ मानने लगी थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।